गाइस अली की भैंस चल रही है मामू के साथ, क्यों आमना के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया। इनका कहना है ये लोग अली के लिए कुछ भी लेके नहीं है। अली अली क्या हो रहा है यार, ये आपके लिए कुछ भी लेके नहीं है, जवाब दो यार। अब तुम शैतान मामू बोल लगाना, इसके साथ क्यों करते हो, आमना की चीजें क्यों लेके आते हो खाली, फसाद मचा के अभी भी सुकून नहीं मिला यार। तुम लोग को अली के लिए भी लेकर आना चाहिए था ना यार, तुम जवाब दो ना, तुम क्यों सुन रहे हो। हमने तू नमक हराम बनी हुई है, अल्लाह मेरे बच्चे के देखें क्या बदतमीजियां हो रही है मेरे बच्चे के साथ, ये लोग देख रहे, लग रहा है ये नानी का घर है। अभी तक आमना अली की आर्मी को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन होने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी टच कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। आप लोग देख सकते हैं कि आमना अली ने बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की हुई है क्योंकि आज हमारे बहुत ही ख़ास रिलेटिव हैं जो बहुत ही दिनों के बाद कराची वापस आए, तो आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं, देखते हैं उनका क्या हाल अहवाल है। लेकिन उससे पहले हम लोग बेतहाशा भूखे हो रहे हैं तो चलते हैं अपने सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट पे और वहाँ जाके कुछ खाना वाना ऑर्डर करते हैं, फिर चलते हैं जहाँ पे हमें जाना है मिलने। और आपको पता ही लालची क्यों जा रहा है वहाँ पे, इसके गिफ्ट भी फाइव है वहाँ पे, ये वो लेने जा रहा है, इतना लालची आदमी है। चलो अली उतरो, बिस्मिल्लाह। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर और आमना ने मेन्यू कार्ड उठा लिया है और रिजवान ने परेशान होना शुरू कर दिया है क्योंकि आमना अली बहुत बड़ा बिल बनाने वाले हैं, है ना रिजवान? मैं तो नहीं बनाती ना बड़ा बिल, बिल्कुल सच, आज सच, आज कैमरे के आगे बिल्कुल सच, सब बनाते। ये देखिए गाइस, मुझे सुनने को इतने सालों के बाद देखिए क्या सुनने को मिल रहा है शोर से, यार क्या कह रहे हैं, जितना भी अच्छा कर लेना शोरों से सुनने को यही मिलता है। क्या ऑर्डर करेंगे आप, क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं, नारे लगा लगा के गाइस, एक रैली जा रही थी किसी तंजीम की, जानू उसके अंदर फंस गया था। हमने भी परेशान हुई थी जब हमें यहाँ तक आने में काफ़ी लेट हो गए, लेकिन कोई मसला नहीं है, खाना वाना खा के हम फ्रेश हो जाएंगे। भाई जल्दी से ऑर्डर करो, क्या खाना है गाइस? मुझे पता है जब तक मैं मेन्यू कार्ड नहीं उठाऊँगी जब तक ऑर्डर डन होता ही नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं ये लोग, कुछ भी ऑर्डर वॉर्डर नहीं करें। कुछ समझ में आया? ये देखा मैंने क्या कहा था, जब तक मैं मेन्यू कार्ड नहीं उठाऊँ ना सबकी समझ में ही नहीं आता। ए कुछ समझ में आया? नहीं। क्या बातें कर रहे हो, आज खाने के साथ पानी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, आज से कोल्ड ड्रिंक बंद है तुम्हारे। बाबा ने सख्ती से पाबंदी लगा दी, मौसम खराब चल रहा है, इसकी भी बोतल बंद है ना, तुम ऊपर से नवा बन के थोड़ी आई हो कि तुम्हें बोतल मिलेगी और मेरे बच्चे को नहीं मिलेगी, बोतल बंद है, सिर्फ पानी आएगा, पानी मंगाइएगा रिजवान, बस जब मैंने बोल दिया तो पानी आएगा मंगा के दिखा दो बोतल आज। चले गाइस खाना आता है फिर हम आपको अपना ऑर्डर दिखाएंगे कि हमने क्या ऑर्डर करा है, और अली तो बहुत भूखा हो रहा है, बोतल नहीं मिलेगी। आपको चाहिए मेरी बेटी को बोतल? नहीं मिलेगी। बिरयानी कैसी है? अच्छी बनाई है। चले गाइस आज आपको बता ही देते हैं, रिजवान को सबसे पसंदीदा चीज़ रिजवान की खाने में है बिरयानी। गाइस देखें हम लोग अपना खाना वाना खा के अपने रिलेटिव के घर पे आ गए हैं और जिन्होंने हमारा प्रीवियस व्लॉग देखा है तो वो पहचान गए होंगे कि ये घर किसका, और जिन्होंने नहीं देखे अभी तक हमारे व्लॉग तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये घर है हमारी प्यारी अम्मी का, यानी कि मेरी अम्मी का। वो लोग आए हैं पाकिस्तान का ज़बरदस्त किस्म का टूर करके, अब उनको ये नहीं पता था कि हम लोग आने वाले हैं, तो जी अंदर चलते हैं और अचानक से जाके उनको सरप्राइज देते हैं कि भाई हम आगे, क्योंकि इन लोगों को तो गिफ्ट का लालच था। चलो अंदर चलो, आगे भाई आगे, हम लोग आ गए, आ गया भाई आगे भाई आ गए। कैसे हो? ठीक हो? जम्मी से मिलो फिर मामू से भी मिलना,
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, सदा स्वागत। आमीन आमीन आमीन। ले भाई गाइस, माशाल्लाह से मिली मिलने लग गई दुआएं। और ये लोग आ चुके हैं पाकिस्तान टूर करके, बहुत लंबा टूर वगैरह इन्होंने मारा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा भी आपको टूर दिखेगा अम्मी और इन सबके साथ। तो देखते हो उस वक्त हमारे साथ कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये तुम लोगों को पता है क्यों आए? क्यों? ये दोनों लालच में आए तुम्हारे हैं। तो कोई मिलने मिलने का इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बनने का तो प्रोग्राम बड़ा हुआ है मुकम्मल। अली आपको पता है ये लोग आपका कुछ भी लेके नहीं आए। आमना का तो फिर भी टब्बर भरा हुआ है। चलो देखते हैं लोग क्या लेकर आए क्या नहीं। चले गाइस हम लोग जरा इनसे खैर खैरियत पूछ ले फिर आगे व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। देखिए गाइस अली की भैंस चल रही है। आमना के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए और इनका कहना है ये लोग अली के लिए कुछ भी लेके नहीं आए। अली अली क्या हो रहा है यार, ये आपके लिए कुछ भी लेके नहीं है, जवाब दो यार। अब तुम देखो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कह रहा कुछ भी नहीं मिलेगा, देख रहा है यार। आमना का पसंदीदा फेस है ये, आमना के कपड़े हैं ये, शदीद हट रही है इस वक्त। अली जवाब दो यार। हाँ, जानू जवाब दो। हाँ शैतान मामू बोल रहा था ना। अम्मी कपड़े लेकर आई तो, लेकिन ये क्या हुआ ये देखें, आमना के कितने छोटे कपड़े आ गए। ये तो तुम्हारे साथ पचका हो गया यार, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये क्या हुआ यार, आप लोग कपड़े वपड़े लेकर आए यार। ये कौन सा साइज आमना का साइज आ गए हैं? छोटे के। किसके साइज के? छोटे के साइज के आ गए। अली अली जवाब दे दो इसको। निकल भाई निकल। अच्छा आओ ना यार, जरा अम्मी से पूछो आगे क्या हुआ यार, आपके लिए कुछ क्यों नहीं लेकर आई सही से। अच्छा ना आओ अभी जरा सही से तो पूछो पूछो क्यों नहीं लेकर आई। ये देखो तुम्हें शैतान ये लोग आपकी चीजें नहीं लेकर आए ना यार, तुम लोग इसके साथ क्यों करते हो, आमने की चीजें क्यों ले लेकर आते हो खाली। देखो कितना लड़ा मेरा बच्चा, तुम लोगों ने गलत किया ना यार। कुछ भी नहीं है तेरे हमसे बदतमीजी कर रहा था वीडियो कॉल। हां सही है, हम नहीं लाए ना भाई, जा अली अली अब इससे बात नहीं करना सही है। अभी आए भी ना गोद में बिठा दो, उसको बिठाना नहीं। तो आज बता दो अपने सब्सक्राइबर को क्या ये कौन है, ये कौन है जल्दी से बता दो। गुंडा गुंडा तू होगा, छोटे कद का गुंडा सूखी काकड़ी यार, तुम लोगों ने गलत किया ना यार, उसके साथ लेकर आते ना कुछ उसका भी। तो अगले तुम्हारे लिए चीजें लेकर आए, सारे छोटे कपड़े लेकर आए यार, तुम लोगों ने नापा वापा नहीं था। चलो कोई बात नहीं, हम आगे अपनी सोनी वीडियो में लगा लेंगे। मुन्ने को दे दो, मुन्ना पहन लिया। देखो मुन्ने आपको क्या कह रहे हैं, ये देखो ये देखे गाइस, ये आमना के कपड़े अली को दिए जा रहे थे, तुम पहन लो। देखो बदतमीजी की हदें पार हो गई यार, तुम जवाब दो ना, तुम क्यों सुन रहे हो हमला। अटैक अटैक सुना दे मुन्ने बस। और अभी तो आमना मेरे साथ वैसे इंडोर क्रिकेट देखने जा रही है, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है भैया। नहीं तंग करो मेरे बच्चे को, तुम गलत कर रहे हो, तुम मामू हो, तुम मामू नहीं, ये मेरा भांजा नहीं आज कह रहा मेरा भांजा नहीं है, मेरा मामू नहीं है। गाइस ये तमाशा चलता रहेगा, थोड़ी देर में व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत गंदा तमाशा हो रहा है यार, तुम तो गलत करते हो अली के साथ वैसे ना। अम्मी यार तुम्हें तो इंसाफ करना चाहिए था ना यार, यार तुम इसका साथ नहीं दो, तुम अली का साथ दो, आमना अपने भाई का साथ दे। अली नहीं शैतान छोटा। हाँ छोटा शैतान, छोटा शैतान पाइया वाला डब्बा। अबे यहां से किसने आपका छोटा डब्बा बोला डब्बा। पाइया चलती रहेंगी चलती रहेंगी, कब खत्म होंगी, चुप हो के बैठ जा। बहुत गंदी लड़ाई है। अली तो तुम लोगों से मिलने आया था, क्या वेलकम कर रहे हो अली। अली साहब आपके लिए गिफ्ट ले आई हुई, छोटा पजामा छोटी फराक। तुम ये पहले अली तुम तो कह रहे थे चला आया मम्मा अम्मी से मिलकर आते, अम्मी इतने दिनों के बाद इस्लामाबाद से घूम फिर के आई है, देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा, तुम क्यों आए हो यहाँ पे मिलने इन लोगों से, नहीं आना चाहिए था ना। हेलो आमना किसी नमक हराम निकल ली है इस वक्त, आमना तू नमक हराम बनी हुई है। अपने भाई का साथ दे आमना, इतना गंदा फसाद। ये देखे गाइस क्या ये रे, तू भी पहन ले। अल्लाह मेरे बच्चे के देखें क्या बदतमीजियां हो रही है मेरे बच्चे के साथ, भाई लगी नहीं रहा नानी का घर है। ये देखे बदतमीजियां देखें, बदतमीजियां देखें कैसी चल रही हैं। क्या कर रहे हो यार, तुझे फसाद मचा देने, तुझे
तुझे फसाद मचा के अभी भी सुकून नहीं मिला यार, ये क्या हो रहा है यार, तुम लोग अली के लिए भी लाते यार, तुम लोग जान के फसाद मचवा रहे तू। पहले तो मुन्नी के लिए आया है। देखेगा इस कितने अच्छे अच्छे आमना के लिए यहाँ पे तोहफे ताइफ आए। भाई तुम लोग अली के लिए क्यों नहीं लाए हो? तो कितनी आग लगाएगा, कितनी आग लगाएगा यार, यार कितनी आग लगा रहा है ये, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? और तो ऐसे हाँ ये गाइस ये देखें आमना के लिए कितना प्यारा सूट आया है, उसके अंदर ये भी है यार। तुम लोग अली के लिए भी लेकर आना चाहिए था ना, मेरे बच्चे के साथ तुम लोग गलत यार, तुम लोग फर्क नहीं करो पैदा। तो कितनी सेल्फिश है यार, तुमने भाई के लिए नहीं बोल ली, चलो लगा के दिखाओ। लो मेरे बच्ची के कपड़े तो आ गए लेकिन मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं आया, ये देखो मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है देखे, ये इज्जत है यार इसकी, ये इज्जत है इसकी इज्जत। चलो यार ये देखें गाइस आमना का सूट देखें कितना प्यारा आया माशाल्लाह से, और कितना यूनिक है, कितना खूबसूरत है, आमना जब पहनेगी तो माशाल्लाह और प्यारा लगेगा। आमना मतलब ही आमना लालची, आमना लालची कैसे इस कैसी बदली है वो भाई, अपनी चीजें देख के भाई की तो चीजें बोलते भाई। यार तुम लोग यार अम्मी तुमने गलत करा यार, ये लेकर आना चाहिए था मेरे बेटे के लिए भी। इन लोगों से बातचीत, इनसे रास्ता खत्म कर दो आप, उसकी सेहत पे तो कोई असर ही नहीं, बता दो अली चीख के बता दो, मेरा मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, सुन लिया तुम लोगों ने, सुन लिया उसकी सेहत पे कोई असर नहीं है। ये जान के फसाद करा रहा है अली, अली इसके चक्कर में नहीं आना ठीक है। आम नहीं लोग आपको डांट रहे हैं, देख लो तुम लोग गिफ्ट ला के दिए तो ऐसा लग रहा है तुम पे एहसान कर रहे हैं। गिफ्ट क्यों लाई हो बाबा, डांटना है तो आम ने आपको क्या मतलब है नहीं तो इसकी काबिल है। हाँ क्या काबिल है, क्यों मारा तुमने आमना को छोटे तक के, ए बच्ची को हाथ नहीं लगाइयो, हाथ नहीं लगाइयो, ये देख कसाई अली आ जाओ, अली यार नहीं कर भाई बदतमीजी नहीं कर मेरे बच्चे से नहीं कर। आमना जाओ अली को छुड़ा के आओ, आमना जाओ छुड़ा कर आओ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, आ जाओ क्या वो आपको खाली टप्पा दे के चला गया, छत पे से टूटा हुआ ये आपको नहीं ला के दे रहा आपकी पसंद की चीज। हूँ नहीं, नहीं करो ना यार उसके साथ क्या दिया है मुझे तो दिखा दो। अली का गिफ्ट आ चुका है, कितनी प्यारी रिमोट कंट्रोल गाड़ी ला के दी है, गाड़ी उल्टी भी चलती है पीछे से, हमें तो पता ही नहीं था। अली खुश हो गए, देखो तुम्हारा कितना प्यारा गिफ्ट ला के दिया इन लोगों ने, देखा मैं कह रही थी ना तुम्हारी चीज आई है, तुम रो जा रहे थे बिना फालतू के, हाथ नहीं लगाना अभी इधर, हम तो दुश्मन है ना, शैतान है ना, क्या है हम ये प्यारे से मामू हो बोलता है, क्या है नहीं, क्या हूँ मैं हूँ क्या, अम्मी से मिल पहले, चले गए सब ये खेल वेल ले, इसकी भी चीज मिल गई, इन्हें रोना धोना मचवाया हुआ था बल्ले। चलो भाई अब हम क्या बनाएंगे, हमने बहुत भूख छूख लग रही है, अंडे डबल रोटी तो हमने खा लिए, अब क्या खाना है, मैगी आप आलू के पराठे वगैरह बना रहा है ये बंदा खड़ा हुआ झूठे, रोटी बेलने मिलने का सामान भी आमना अली का आ चुका है, ये छुपने वुपने की जगह नहीं है, ये छुपने की जगह नहीं है, बर्तन रखने की जगह है। चले गाइस मैं इनको थोड़ी सी मैगी वगैरह बना दूं, क्योंकि ये जो राक्षस है ना अम्मी के किचन में घुस चुके हैं। क्या ढूंढ रहे हो, मैं बाउल में बनाऊंगी, ओवन में चूल्हे पे नहीं बनाऊंगी, जल्दी से आओ। मैं इनको जाहिर गाइस जल्दी से जरा मैगी तो बना दूं, वरना ये लोग तो बेचारी अम्मी का पूरा किचन ही ककोड़ देंगे, बाहर निकलो अम्मी का किचन में से, अम्मी के किचन में से बाहर निकलो, बाहर निकल, बाहर निकल अम्मी के किचन में से, बाहर निकल तू, सही है मैं मैगी नहीं बना रही, नहीं हट रहा, नहीं हट रही, बस सही है मैं मैगी नहीं बना रही, चलो मैं अंदर जा रही, आ रहे हो या जाऊं, अंदर जाओगे तो मैगी बनेगी, यहाँ से जाओ, यहाँ से शक्ल गुल करो, खुश अंदर जाओ, आमना अंदर चली जाए यहाँ से। गाइस मैं मैगी के लिए पानी निकाल लूँ डिस्पेंसर से, क्योंकि मैं कच्चा पानी यूज़ नहीं करती बच्चों के लिए बिल्कुल भी, इसे ओवन में रखती हूँ, क्योंकि ओवन में जो मैगी बनती है ना उसकी बात ही अलग आती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैगी बनती है। आमना वो खोलो, अब मैं गाइस इस मैगी को ओवन में रखूँगी, अरे तुम्हें ओवन खोलना नहीं आ रहा यार, आप अम्मी का ओवन भी देख सकते हैं कितना साफ सुथरा न्यू ब्रांड है, हटो मैं चलाऊंगी मुझे पता है, हटो यहाँ से बंदे गधी, हटो आप हट जाओ, आप भी गुस्सा करो ओवन वगैरह में। ये देखें गाइस अब ये मैगी हमने ओवन में रख दी है, 5 से 8 मिनट में ये रेडी हो जाएगी, फिर हम खाएंगे हमने क्या मैगी मैगी।
पेट भर के खाना आप दोनों मैगी। अब कुछ भी नहीं मांग रहा मुझसे, 3 घंटे तक कुछ भी नहीं मांग रहा, बता रही हूँ। बिल्कुल नहीं मांगना कुछ, कभी पता चले कि ये राउंड के बाद नेक्स्ट राउंड के चक्कर में बैठे वो। वैसे गाइस हम लोग अम्मी के यहाँ से आ चुके हैं और एक चीज़ तो आपको दिखा रहे हैं भूल गए, ये देखे पिस्ते वगैरह मेवा जात और भी माशाल्लाह हमारे पास थैलियाँ हैं, अभी हमने एक निकाली है। और ये देखें चोर, देखें चोर कैसा खा रहा है जल्दी जल्दी। और ये रिजवान को देखें कैसा बच्चा बने, यार रिजवान रिमोट कंट्रोल गाड़ियों से खेलने बच्चा बने हुए हैं आप। रिजवान आपकी बीवी आपसे बात कर रही है, रिजवान नो रिस्पॉन्स, मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप गाड़ी चलाने में लगे पड़े हो। रिजवान रिजवान इधर भी देख ले, रिजवान इधर इधर मेरी तरफ देख ले। ये देखें इतने बड़े इंसान को आप देख सकते हैं, वो देखें कैसी रिमोट कंट्रोल गाड़ी चला रहे हैं। ये पिस्ते बादाम खा लो, ये चोर खा रही है देखो पिस्ते बादाम हैं। आए लो मेरे पैर पर मार दी, पता नहीं कौन से यार ये कौन से वक्त के बदले निकलने। चले गाइस आज आपने हमारा व्लॉग ज़रूर इंजॉय किया होगा, आपको जैसे कि हम बता चुके हैं कि अम्मी आई हैं हमारी काफ़ी दिनों के बाद पाकिस्तान का, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बेहतरीन टूर वगैरह करके, तो हम उनसे ही मिलने गए हुए थे, साथ साथ हमने आपको बेहतरीन किस्म का लंच भी दिखा दिया संडे का। और ये देखें यहाँ पे हमारे घर में इस वक्त माशाल्लाह से खूब अफरा तफरी चल रही है। और ये आमना यहाँ पे फोड़ने, ये सारे पिस्ते बादाम खा जाएगी, मुझे नहीं बोलना फिर आप लोग, ये देखो ये फोड़ने में लगी हुई है माशाल्लाह, ये सब खा जाएगी। अब इस ब्लॉग का एंड कर दो अली, यार करो आ जाओ यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बैठी रहूं, जाओ पीछे 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 जल्दी से। झाइल आदमी तो मैं कुछ करने ही नहीं देगा ये।